हेलो एवरीवन, माय नेम इज जेडी और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल जेडी गेमिंग पर। आज हम खेलने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन सिमुलेटर और मैं हूँ इसमें इलेक्ट्रीशियन। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। इसमें हमें बेसिकली एक गराज दिया गया है हमारे पापा जी का, जो कि एक पहले इलेक्ट्रीशियन थे, वो हमारा वेलकम करते हैं। और हमें कुछ इसमें टास्क मिलेंगे जो कि जो हमें जॉब्स हैं कंप्लीट करनी, और उसका हमें पैसा भी मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक टास्क मिला है, देखिए लेफ्ट साइड में आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो हमें पहले कुछ 25 चीज़ें हैं जो कि रद्दी हैं एकदम, उनका कबाड़ा है जो कि बेचना है हमें, सेल कर रहे हैं। देखो हमें एक एक चीज़ का प्राइस भी मिल रहा है, $8 हो गया ये। इन सब चीज़ों को हमें बेच डालना है, तो एक एक करके इन सबको हम भेज देते हैं। और 23 हो गया, डन। चलो बढ़िया, ओके। हमारे पास अभी हो चुके हैं $389। तो अभी हम आगे जाकर जॉब लेते हैं। वहां जाने से पहले हमें ये पहले पर्ची पढ़नी है, इसमें पासवर्ड लिखा है 6942। चलिए 6942 खुल जा सिम सिम, खुल गया। चलो गाइस, हमारा पहला जो जॉब है वो है अलेक्जेंडर अंकल जी की तरफ से। इनका कहना है कि इनका जो बाथरूम है उसकी लाइट नहीं चल रही है गाइस, तो हमें जाना है इनके घर पे, इनकी लाइट फिक्स करनी है। वो बोले मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मेरे को दिखाई नहीं देता। तो चलिए जल्दी से, हमें ये टास्क दे रखे हैं और इन्होंने हमें कुछ सजेस्टेड आइटम बोल रखा है कि ये सामान लेना है, हम इसको जल्दी से बाय कर लेते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर जो कि हमारे पास नहीं है, हमें हम नए नए इलेक्ट्रीशियन बने हैं ना गाइस, समझो। तो हमने जॉब एक्सेप्ट कर ली कि नहीं करी? नहीं करी, अभी कर ली अभी। चलो गाइस जल्दी से गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं अंकल जी के घर पे। अंकल जी हम आ रहे हैं, दरवाज़ा खुला रखो। चलो गाइस अभी हम आ चुके हैं अंकल जी के घर पे, और सबसे पहले हमें जो टास्क की लिस्ट है वो प्रॉपर दी रही है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सब हमें बताया गया। देखो लेफ्ट साइड टॉप में तीन बोले हैं, सबसे पहले बोले जो है फ्यूज़ बॉक्स उसको बंद कर दो। ट्यूटोरियल नीचे वाह, चलो ट्यूटोरियल ये बंद हो चुका है। अभी ये दरवाज़ा कौन सा, ये तो नहीं खुला, ये होगा बाथरूम, ये रहा बाथरूम। ओके तो इसमें है गाइस दो लाइट्स लगी हुई हैं, हमें ये लाइट्स को फिक्स करना है। ओके नहीं चल रही है, ये वाली लाइट होगी। तो पहले स्क्रू ड्राइवर इसको खोल लेते हैं, थोड़ा नज़दीक आते हैं। अरे अरे छोड़ो भाई, नीचे खोला इसके, ये खोले बटन, इसको खोल दिया, आ जाओ। ये हमें ओके ये लगाने के बाद हमें बताता भी है कि इसको कहाँ लगाना है। ये रेड वायर नीचे लगना है, ब्लू वाला वायर ऊपर लगना है, बट ये लग क्यों नहीं रहा। ओके गॉट इट, हमें ये स्क्रू भी तो खोलने हैं गाइस, क्या हो गया है मुझे। इसको लगा देते हैं इसमें, और ये वायर को लगा देते हैं इसमें, हो गया। स्क्रू ड्राइवर टाइट करो, बंद करो, उसका ऊपर का बॉक्स लगाओ, इसके भी स्क्रू ड्राइवर कस देते हैं जल्दी से, और ये स्विच हो चुका है। ओके अब जाकर जल्दी से स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो काम किया है वो डन हुआ है कि नहीं। अरे भाई इसको ओपन करके उसका स्क्रू मेन स्विच को चालू करना है, कुछ भी कर रहा हूँ वो टन डन तो हुआ है। ओ भाई हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, इतनी सी लाइट की वजह से अंकल जी को नहीं दिख रहा था। अंकल जी ज़्यादा ही बुढ़े हो गए लगता है, अंकल जी मोतिया तो नहीं हो गया आपको। ओके गाइज हमारा हो गया ये जॉब डन, अंकल जी जल्दी से पैसा दे दीजिए, हमें जाना है अगली जॉब पे। तो डार्कनेस से बाथरूम हो चुका है, अंकल जी हमें बहुत बहुत थैंक यू कह रहे हैं कि भाई अब बहुत बढ़िया हो गया है। तो कितना पैसा दे रहे, कहते मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ। कोई नहीं अंकल जी, जितने पैसे हैं आप दे दीजिए, हाँ मुझे पता है आपकी पेंशन वेंशन आती रहेगी, अच्छे पैसे होंगे। फिर भी $120 हो गए हैं। चलो गाइज कोई बात नहीं, ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं था, हमने इजीली ये काम ख़त्म कर दिया है। तो अभी हमारे पास दो जॉब्स आ चुकी हैं, एक तो ये लड़की है, इसका कुछ तो घर के अंदर टीवी वगैरह नहीं चल रहा है, वो हमें करना है। दूसरा जॉब आया है हमें एक जोई नाम के बंदे का, एक्चुअली ये बच्चा है, ये कह रहा है मेरे ग्रैंडपा के घर से इसको कुछ कंट्रोलर मिला है वो चल नहीं रहा है। तो हम क्या करें, पहले इधर ही कर लेते हैं, ये वाला जॉब कर लेते हैं, एक्सेप्ट हो गया है। चलिए ये वाले जॉब के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, यहाँ पर आया है, ठीक है। तो हमने मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया कि हमें इसके लिए कुछ सामान लेना था या नहीं, तो लेट्स सी होता है हमारा काम इसी से तो कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। पहले इसको खोल लेते हैं, अरे हो नहीं रहा इससे। यूनिट स्क्रू ड्राइवर, ओ सॉरी, क्यों मेरे पास तो स्क्रू ड्राइवर था ऑलरेडी, व्हाट इज दिस बिहेवियर। अरे भाई मेरा और खर्चा करवा दिया यार, स्क्रू ड्राइवर था जो अंकल जी के घर पे भूल के आ गया क्या मैं स्क्रू ड्राइवर। चलो गाइस इसको खोल लेते हैं जल्दी से फटाफट से, क्या वो, अच्छा ये सब खोलेंगे पहले। चलो सब अनलॉक कर देते हैं, सब हटा देते हैं, ये भी हटा दो। चलो जवाब, चलो चलो चलो, पूरा तो डिसेंबल हो गया। अच्छा बैटरी जो थी वो इसको रिप्लेस करना होगा, कितने का है ये, $15 का, हमें पैसा ज़्यादा मिलने वाला है तो कर देते हैं इसको। अभी असेंबली करना स्टार्ट करते हैं वापस से। ओके ये सब सामान लगा देते हैं जो भी है इधर का, ये हमने नहीं लगाना चाहिए था शायद, पता नहीं। ओके ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ का भी, ये दोनों बॉक्स लगा दिए, हो गया। ओके और
नट लगा दिए बस। अब मैं इतना तेज इलेक्ट्रिशियन हूँ यार, मैं तो खुद का ही फैन हो गया। ओके चेक करना है इसको अभी। ओके स्टेटस वर्किंग आउट भाई, हो गया हमारा सही। तो ये बहुत कम पैसे दिए बच्चे ने हमें यार, $15 का तो मेरा वैसे ही सामान लग गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है अगला जॉब करते हैं। वो बच्चा था ना तो उसके पास, उसने पॉकेट मनी से जितना बचाया होगा हमें दे दिया यार, छोड़ो अभी। अगला जॉब है ये नूरू टेम, ये नाम बड़ा टफ है इसका। चलो कोई बात नहीं, इसके घर पे जाते हैं, इसमें हमें देख लेते हैं। सजेस्टेड आइटम स्क्रू ड्राइवर बोला गया है, वो तो है हमारे पास। अब ये कौन सा स्क्रू ड्राइवर, कोई अलग स्क्रू ड्राइवर ना हो यार, बाद में वापस आना पड़े। फिक्स आउटलेट करने हैं कुछ, और टीवी वगैरह और लैंप वगैरह चालू करना है। चलते हैं गाइज इनके घर पे, मैडम जी के घर पे। मैडम जी चाय बना के रखी है, बहुत हमें ऐसा चाय की तलब लग रही है, आके चाय पियेंगे पहले। चलो गाइज गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल चुके हैं मैडम जी के घर पे, हम आ चुके हैं। हेलो मैडम जी, किधर हो आप? तो मुझे लगता है मैडम जी घर पर नहीं है। ये तो दरवाजे तो सारे बंद हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पर? ओके तो पहले देखते हैं इसका स्विच बोर्ड, हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है, पता चले करंट बल्ब लग गया। ये स्विच लाइट, ये रहा। पहले हमें करंट से बचने के लिए मेन स्विच लाइट जो कि है बंद करनी है। ये रहा टीवी, सबसे पहले हमें ये फिक्स करना आई थिंक। हाँ ओके, तो ये नहीं चाहिए भाई हमको, हम है हीरो। नट खोलो, बाहर निकालो, इसको भी बाहर निकालो। ओके तो हमें इसमें ये वायर्स को कनेक्ट करना है, ये तीन वाला है, तीन वायर्स वाला। अंकल जी के घर पे हमने जो किया था उसकी दो वायर थी, ये लग नहीं रहा। अच्छा ओ सॉरी माई बैड, वायर को लगाओ इसमें, ब्लू वाली को इसमें। एक है शायद ये ब्लू, इसका नहीं लिखा है, एक अर्थिंग का होता है। चलो ठीक है, हमने कर दिया है वैसे, लगा दिए। देखेंगे अगर घर जलेगा फटेगा तो भी देखा जाएगा। ओके ये हो गया, चलो ये हो गया। अभी हमें प्लग लगा के इसमें चेक करना है टीवी चला है कि नहीं, उससे पहले हमें लाइट ऑन करनी पड़ेगी। दौड़ के जाओ, अरे नहीं यहाँ नहीं, उधर है, मैं हमेशा रास्ते भूल जाता हूँ, जल्दी से ऑन हो जाओ। ओके टीवी, ये रहा टीवी, चल गया गाइस। यार हमने ये अपना काम कर दिया है। ओके अभी हम लाइट बंद करके आते हैं फिर से, माउस की सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा, अरे बॉक्स हमेशा बंद हो जाता है यार पहले। ओके अभी हमें जो है ये सिंगल है, नहीं, सिंगल वाला नहीं करना है हमें, ये भी नहीं हो रहा। हाँ ये वाला है, इसको खोल के सही करना। ये तो हो नहीं रहा, स्क्रू ड्राइवर। ओ सॉरी गाइस माय बैड, मैं स्क्रू ड्राइवर हाथ में नहीं उठाता हूँ। और ओके पहले इनको खोलना है, ठीक है ये वायर्स को जल्दी से कनेक्ट कर देते हैं। अरे नहीं, जो लगाया था वो भी हटा दिया मैंने, क्या भाई। थोड़ा जूम कर लेते हैं, नहीं तो कहीं उल्टी पुल्टी तार लग गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पूरे नट बंद करो, इसको बंद करो, ये बंद करो, नट लगाओ, और चलो ये भी हो गया। हाँ ये आउटलेट, अनदर आउटलेट भी हमने फिक्स कर दिया है। इसके अलावा मेरे को लग रहा है बाकी का जो काम है हमें इसके लिए की ढूंढनी पड़ेगी कहीं पर, मैडम जी ने की रख के भूल गया, हमें बताकर भी नहीं गई की कहाँ पर है। टेबल पर, ये रेड की, चलो ये वाला था, लग जा यार, खुल क्यों नहीं रही है की? इंटरेक्ट तो कर रहा हूं मैं, खुल गया। ओ भाई सही है, ऑलराइट हमें। हाँ ये पंखा चलाना है, तो मेरे को याद नहीं है मैंने लाइट ऑन रखी है कि ऑफ रखी है। ये ऑन होता है ऑफ होता है, टीवी देख के पता चलेगा। अरे यार बंद है लाइट, सही है, क्योंकि टीवी हमने पहले चला दिया था तो हमें पता है कि टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमें अभी, हाँ ये है, ऑलराइट खुल जा। ओ ये डबल वाला है, मैं तभी सोचूं ये खुला क्यों नहीं। ऑल राइट गाइस, तो ये भी नट सारे खोल देते हैं। अरे यार ये लग गया फिर से। ऑल राइट चलो, वायर्स करंट ना मारे, मेरे को तो ये करंट से बहुत डर लगता है भाई। बचपन में एक बार करंट लगा था, बाल खड़े हो गए थे मेरे। चलो ये हो गया, ये हो गया, नट कस दो इसके, और इसको हो गया ये। अभी इसका हमें ये प्लग को इसमें लगा देना है, प्लग लगा दिया है। और अभी हमें ये फैन भी चलाना है, टर्न ऑन द टीवी तो बाद में हो जाएगा, लैंप भी तो हो गया, ठीक है यही तो काम था। अभी हम लाइट ऑन करके देखते हैं जल्दी से हमारा काम हुआ है कि नहीं। टीवी बंद हो गया, चालू हो जा, टीवी चालू हो गया, हो गया सब। हाँ ये भाई तुम्हारा भाई जॉर्ड है। चलो गाइस जल्दी से घर पे चलते हैं।
ये वाला जॉब भी हमने बहुत ही जल्दी में फिनिश कर दिया है, तो आंटी जी हमें खुश होकर कुछ तो देंगी पैसे। एक्चुअली ये लड़की है, आंटी नहीं है, सॉरी मैम। आउटलेट हो गया, आउटलेट गया, जल्दी पैसा दो ना यार। चाय नाश्ता नहीं पूछते इधर, बेडरूम का हो गया। हमने 4 मिनट 21 सेकंड के अंदर अंदर गाइज ये पूरा जॉब कर दिया। 230 रुपये हमको मिल चुके हैं, हमारे पास हो चुके हैं ऑलमोस्ट $700। भाई साहब मैं तो बहुत तेज हूँ यार। ये एक मैडम अभी हमें दो पेट प्लांट लवर और एक ये भाई जायर और एंजल नाम के दो बंदों का हमें और जॉब आ चुका है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये प्लांट वाला जॉब करें पहले या ये वाला करें। पहले ये वाला करते हैं, अभी हम जाकर आ गए ना तो ये वाला जॉब यहीं पर हो जाएगा शायद। तो ये हमें फिक्स करना है। ओके, इसका तीन चीज़ों की प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है हमने ये एक्सेप्ट कर लिया। चलो हम जल्दी से पहले ये वाला जॉब करते हैं, ये इधर ही आया होगा। हाँ ये छोटा ही सामान है ना, क्योंकि चलो अभी हमें इसको डीअसेंबल करना है। तो पहले इसके नट खोलने होंगे सारे के सारे। चलो देखना कैसे नट अपने आप, यार खुलने की आवाज़ कितनी सही आती है ना। सेल निकाल दो दोनों, इधर भी स्क्रू लगे हुए हैं, यार कितने ज़्यादा स्क्रू लगाते हैं ये लोग। बॉक्स खोल दो पूरा। अरे यार मैं तो स्क्रू ढूंढते ढूंढते ही पागल हो जाऊंगा, इतने ज़्यादा स्क्रू लगा दिए इन्होंने। इधर तो स्क्रू नहीं है ना, चलो हट जा भाई तू, इनको निकालते हैं, जाओ तुम भी इधर। इधर अलग स्क्रू, कितने स्क्रू हैं यार। इसको हटा दो, इसको हटा दो। यार ब्रो मैं तो पागल हो जाऊंगा ये स्क्रू सही करता करता। बैटरी सॉकेट जो है गड़बड़ हो चुका है, इसको रिप्लेस करना है। $5 मात्र खर्चा आएगा, लगा दो नया। और क्या प्रॉब्लम है, स्क्रीन प्लेट का कह रहे हैं कुछ इशू है, क्या करें, रिप्लेस करें या फिक्स करें। ओके फिक्स करने का ट्राई करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये प्लेट जो है उसको हमें सोल्डर करना पड़ेगा यार, बट वो हमारे पास औजार है नहीं वो करने के लिए। तो एक काम करते हैं फिर, अपने पास वो है ही नहीं तो हम इसको रिप्लेस करते हैं। आई थिंक हमें वो पहले परचेज करना था, ठीक है इन दोनों को ओ माय गॉड ये $300 का है। नहीं भाई नहीं 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 मुझे मुझे वापस जाना है। एक मिनट, मुझे मैं बाय कर लेता हूँ, मेरे को ये इतना वो नहीं चाहिए भाई, इतना मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे को वो बाय करना है। कहाँ पर है, टूल्स में नहीं, ऑल में, कहाँ है वो सोल्डर, ये दिखा क्यों नहीं रहा है, मैं कहाँ से बाय करूँ उसको यार, ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। वायर्स खरीदने के लिए बोल रहा है ये, उसने पागल औरत, वो बताना तो चाहिए था साथ में क्या को चाहिए यार। अब तो मेरे को खर्चा करना ही पड़ेगा यार, रिप्लेस कर दो यार, $300 मेरा पूरा खर्चा चला गया यार। और क्या है, कुछ नहीं बस। हाँ चेंज करो यार अभी बैठ के। लाई नहीं भाई, गड़बड़ हो गई ये तो। इसको इसमें लगा दो, नट कस दो इसके, इसके भी नट कस दो यार। बहुत होगा होगा, मेरे पास सिर्फ $79 बचे हैं। ये वाला तो काम बहुत ही भारी पड़ गया, मेरे को ये काम उठाना ही नहीं चाहिए था। अभी क्या बचा है, ओ यार कितने नट हैं इसके छोटे छोटे, लगा दो यार। ये तो आंटी ने मेरे साथ धोखा कर दिया यार, और नट कसने हैं इसके अभी। इतना परसेंट 97% हो गया, हो गया 100%। टेस्ट डिवाइस करो, अबे सब सामान तो नया लगा दिया, हो ही गई ना। सिर्फ $340 दिए इसने मुझे ये करने के, मैं भेजूंगा नहीं इसका सामान यार। मेरे पास गाइस ऑलमोस्ट 600 थे और मेरे पास अभी 400 बचे, ये तो नुकसान हो गया यार, घाटे का सौदा ब्रो। शिट वो आगे से मैं देख के जाऊंगा। सजेस्टेड आइटम है कुछ, कह रहे हैं ये कि 10 मुझे केबल्स चाहिए होंगी, तो 10 केबल्स और स्क्रू ड्राइवर तो है मेरे पास, हटा देते हैं 10 केबल्स बाय कर लेते हैं। ठीक है मेरा कितना पैसा जा रहा है यार इन सब चीज़ों में, मेरे पास अभी कितना बचा है। ठीक है इसकी जॉब एक्सेप्ट करते हैं और जल्दी से जाते हैं इसका करके आते हैं काम। अपने पास अभी भी $399 हैं, तो चलो जल्दी से इसका काम फिक्स करके आते हैं। भाई मेरे को सच्ची में बहुत बुरा लग रहा है यार वो चैलेंजिंग जॉब। ओके, केबल्स लगानी है हमें वो फ्यूज़ बॉक्स तक, और फिर उसके बाद वो लाइट उसकी चालू हो जाएगी, ठीक है। बट इसका वो पहले मेरे को फ्यूज़ जोड़ना ढूंढना है। अरे नहीं घर नहीं जाना, मैं घर से तो आया हूँ, मेरे को अच्छा ओ इधर कहाँ छुपा कर रखा है। हम टॉर्च है ना अपने पास, टॉर्च ऑन करते हैं।
के लिए भी की चाहिए। ओ गमले में छुपा के रखी है की, इसके अंदर क्या सोना जेवरात रखे हैं? इसकी भी की लगा के रखी है जो। खुल जाओ। अभी हम सबसे पहले ये ऑन ही है ना, हम देखते हैं पहले के चल रहा है कुछ के नहीं। नो केबल कनेक्टेड, ठीक है हमें पहले केबल्स कनेक्टेड करनी है, उसके बाद होगा ये जो भी काम है हमारा। ठीक है पहले लाइट को कर लेते हैं बंद, और यार मेन स्विच ही बंद कर दी ना उन्हें। वायर्स को उठाते हैं, यहाँ से वायर जाएगी, हमें स्विच बोर्ड तक पहले कनेक्शन लेकर जाना है, और फिर ये हो गया। ओके अभी हमारा आधा काम हो चुका है, हमें जो थी इसको ऑन करके देखते हैं। हाँ हमारा करंट जो है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब हमने यहाँ तक का काम परफेक्ट कर दिया है। अभी हमें लाइट चालू करनी है, और हमारे एक बल्ब चालू हो चुका है, सिर्फ एक चला। ओके तो हमें ये कनेक्शन आगे करना है, तो फिर ये दोनों भी चल जाएंगे। ठीक है गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट ब्रो गॉट इट ब्रो गॉट इट। चलो इसको बंद करते हैं, हमें अपनी वायर्स निकालते हैं, और इसको यहाँ से एक वायर दे देते हैं यहाँ तक। डन, इतना हो गया अपना। ऑलराइट तो अभी हमें एक और जो है पहले चेक कर लेते हैं इतना काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये करंट जा रहा है यहाँ से, और इसको चालू किया, और परफेक्ट हमारे तीन बल्ब चल चुके हैं। अभी हमें ये दो बल्ब और चलाने हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, करंट बिल्कुल सही जा रहा है। मैं तो एकदम प्रो हूँ यार इसमें, इस गेम में। ये लगाते हैं वायर, ये सीधे लगा दिया यहाँ पर, एक ये लगा देते हैं यहाँ पर, और अच्छा ये यहाँ तक ही लगेगा, कर देते हैं इसके अंदर। चलो हो गया आई थिंक, अभी चालू करते हैं लाइट। और नहीं ये कैसे, ये तो चला ही नहीं। ये करंट यहाँ से जाना चाहिए था, ये जा क्यों नहीं रहा है ब्रो? करंट यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट यहाँ तक जा रहा है। ओके तो फिर ये यहाँ तक करंट क्यों नहीं आ रहा है? मैंने तो सही लगाई है वायर्स, ये करंट यहाँ तक आया और हम इसको लेकर गए। ये करंट यहाँ से एक्चुअली जाना चाहिए। और यार कान में से सीटी बजने लगी मेरे, मैंने यहाँ पर क्या मिस्टेक कर दिया गाइस। A few moments later. ये मैंने केबल, इसको मैं पीछे करता हूँ वापस, एक सेकंड को जरा। ये बल्ब जो है यहाँ से जाना चाहिए, एक मिनट हाँ, मैं इसको भी जरा दोबारा से रीडू करता हूँ। ये जो है इसको भी हटा देते हैं एक बार के लिए। ऑलराइट तो ये जो है यहाँ से आउट जाएगा, इसके अंदर इन जाएगा, और इसके अंदर भी इन जाएगा। तो हमने गड़बड़ करी कहाँ है मेरे को ये जानना है एक बार। वायर्स क्यों नहीं दिखा रहा है? फ्यूज तो ऑन कर दिया, यहां तक परफेक्ट जा रहा है, एक बल्ब चल रहा है। तो हमने तो सही लगाई थी यार वायर्स, ये या फिर कुछ गड़बड़ करी है मैंने। ये वायर यहां से अंदर गई और यहां से ऊपर जाकर सीधा चल गई, तो मतलब इसको हम बंद करते हैं तो लाइट सारी बंद हो जाती है। मतलब स्विच तो इसका यही है, मैंने कहां गड़बड़ कर दी फिर। लेट मी चेक अगेन, अभी हम इसको बंद करते हैं एक बार के लिए। यहाँ से तो हमने सही लगाई हुई है, ये तो सही लगाई हुई है, ये उल्टा हो गया। एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट रुको। ये करंट इसके अंदर जाना चाहिए, तो ये यहाँ से ही आना चाहिए। ओके को यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ, और ये बिल्कुल परफेक्ट लगा है। इसको कोई नहीं कह सकता कि ये गलत लगाया मैंने। एक मिनट ऑन करना जरा, हाँ ये सही जा रहा है, ये बल्ब चल रहा है। तो मे बी मेरे को ये जो यहाँ से जो वायर जा रहा है ये भी मैंने सही कनेक्ट किया था। एक मिनट इसको बंद करके ये भी वायर कनेक्ट करके देख लेते हैं। ये आउट गया, तो अभी एक बार चालू करो लाइट। हाँ और यहाँ ये तीन बल्ब चल गए, तो यहाँ पर मुझे जो लाइट अंदर भेजनी है वो तो यहीं से जानी चाहिए ना यार। लाइट बंद करते हैं एक बार फिर से, केबल लगाते हैं, क्या पता पिछली बार मैंने केबल में कुछ गड़बड़ कर दी हो। तो ये केबल मैं लगाता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड, हाँ सीधा जाएगा, यहाँ तक गया।
उसके बाद ये जाएगा यहाँ पर। अरे यार रुको जरा, ये जा नहीं रहा है यहाँ तक एक्चुअली। ये मैं यहाँ तक लगाता हूँ और यहाँ तक लगाता हूँ। अभी मैंने परफेक्ट लगाया है गाइस। ओ चल गया पूरा परफेक्ट गाइस, लगा दिया है तुम्हारे भाई ने, डन हो गया गाइस सारा। ये जॉब भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। चलते हैं घर में वापस, देखते हैं कितना पैसा मिलता है ये जॉब का। प्लांट लवर ने बोला कि ये बोल रहा है मैं तुम्हारा फैन हो गया, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। हालांकि इसको पता नहीं कि हमने गड़बड़ कर दी थी इसके पौधे जल सकते थे। चलो हमें $420 मिल चुके हैं इस काम के। ओके गाइस, तो अभी हम करते हैं अपना नेक्स्ट जॉब चालू। देखते हैं और कौन कौन से जॉब हमको दे दिए हैं। ओके, जेमी नाम के बंदे ने हमें एक जॉब दिया है जिसमें कि उसको चाहिए, उसके गैराज में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ पर हमें लाइटिंग का सेटअप करना है, लाइट्स वगैरह, रेडियो वगैरह चालू करना है और स्विच वगैरह रिपेयर करना है। चलो गाइस चलते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं। सजेस्टेड आइटम है हमें 19 19 तारें चाहिए, 19 वायर्स। चलो बाय कर लेते हैं ये सब सामान, स्क्रू ड्राइवर हमारे पास है। चलो जल्दी से निकलते हैं फटाफट और जाके करते हैं इनका काम, जेमी भाई साहब का। लाइट बहुत अंधेरा है यहाँ पर तो। ओके, यहाँ से हमें एक्चुअली ओके, ये सारी लाइट्स हैं जो कि हमें चालू करनी है। सबसे पहले हमें वो बोर्ड ढूंढना होगा कहाँ पर है, टॉर्च कहाँ है मेरी। अच्छा यहाँ छुपा के रखा है। अच्छा मतलब एक लाइट वर्क कर रही है ये वाली, हमें ये दोनों लाइट्स काम करवानी है और एक कुछ तो रेडियो बोला गया था शायद। हाँ ये रहा रेडियो, हमें ये रेडियो भी चलाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइट्स वगैरह का सेटअप करते हैं। इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं क्या, अगर हम यहाँ से एक वायर यहाँ तक डाल दें तो फिर ये चालू हो जाएगा आई थिंक। लेट्स चेक करते हैं इस चीज़ को। ये वायर लगाते हैं यहाँ से, कहाँ गायब हो गया। हाँ ये कनेक्ट हो चुका है, लेट्स चेक कि ये काम कर, अरे नहीं भाई परफेक्ट, ये तो काम कर गया। अभी हमें यहाँ से एक वायर इस ट्यूब को भी दे देंगे तो मेरे ख्याल से फिर ये भी चल जाएगा। लेट्स सी, एक मिनट गाइस, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। हमने कहीं गड़बड़ करी है कुछ। मेक द स्विच बोर्ड वर्किंग। ओके, हमें पहले स्विच बोर्ड वर्किंग करना पड़ेगा। ये स्विच बोर्ड से कुछ नहीं है, हम पहले एक काम करते हैं, पहले ये स्विच बोर्ड को वर्किंग करते हैं गाइस। यहाँ से एक वायर लेते हैं, आई थिंक इसीलिए वो नहीं लग रहा है। एक्चुअली उसका वायर ऑलरेडी कनेक्टेड था यार, हमने को सिर्फ ये स्विच बोर्ड कनेक्ट करना था। ओके, तो टर्न ऑन द रेडियो अभी सिंपल, हमें रेडियो को टर्न ऑन करने के लिए बोला। ये यहाँ पर कुछ सामान पड़ा है। ओके, इसमें भी पावर नहीं, आई थिंक पावर है या नहीं, एक मिनट चेक कर लेते हैं। रेडियो चला, रेडियो नहीं चल रहा है, मतलब इसमें करंट नहीं है अभी। हमें तो इसमें पहले करंट लेकर आना पड़ेगा, कहाँ से करंट लेकर आएंगे इसमें। ठीक, ये किसका है, सिंगल लाइट है जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, हमें इस बोर्ड तक पावर चाहिए इसमें, जो कि पावर नहीं है अभी। एक बार ये पावर ऑफ कर देते हैं, देखते हैं इसमें पावर कहाँ से आएगा। यहाँ से इसमें इलेक्ट्रिसिटी इन चाहिए। ठीक है, हम ऊपर लेकर जाते हैं, पूरा एंगल देना पड़ता है इसको यार, हमें वहां तक लेकर जाना है तो यहाँ तक लगाते हैं। लंबी चार ज्यादा नहीं लगती है, एक चीज मैंने नोट किया है। ओके, ज्यादा क्लोज आकर भी गड़बड़ हो जाती है। वायर्स कहाँ से शो होंगी, ये करंट यहाँ से जा रहा है इसके अंदर। बाप बहुत बढ़िया, प्लग लगाते हैं इसके अंदर और हमने कर दिया ये पूरा काम, हमारा डन हो चुका है गाइस। हमने लाइट्स ऑन कर दिए हैं, हमने प्लग वर्क कर दिया है, हमने रेडियो ऑन कर दिया है, सब काम हो चुका है। अभी हम चलते हैं घर की ओर, हमारा ये जॉब भी डन हो गया गाइस। ये थोड़ा टफ लग रहा था मेरे को, समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली। प्लग पहले हमें वर्क करना था, बाकी तो सब ठीक है, डन था। ओके, हम
ये बंदा कह रहा है कितने पैसे देगा, काफी सारे पैसे देना यार प्लीज, 400-500 डॉलर दे दे एक बार, सिर्फ 170 डॉलर। नहीं भाई, कितना टाइम लग गया तेरा जॉब करने में। और गाइस हमने ये भी पूरा फिनिश कर दिया है, गेम जितने भी इसके थे हमने कर दिया है। थैंक्स फॉर प्लेइंग, ये हमारा थैंक यू करना चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन सिम्युलेटर खेलने के लिए। तो गाइस अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको फिर किसी गेम में, तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।